आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर सुपौल से है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 में सनसनी वारदात घटी, जिसमें अपराधियों ने एक वार्ड पार्षद पति की उसके घर पर जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि यह घटना वार्ड नंबर 28 की है, जहां देर शाम हथियार से लैस अपराधियों ने वार्ड नंबर 28 स्थित वार्ड पार्षद निशा भारती के घर पहुंच वार्ड पार्षद के पति ललित यादव को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल वार्ड पार्षद के पति ललित यादव को इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम व आक्रोश की लहर है। फिलहाल ललित यादव का शव सदर अस्पताल में है, जहां स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। वो हमने कुछ बोल लिया, छीन लिए चारों बेटा या तीन के ना सात गड़े रह ढी का पहना वो था का गेट लगा रही रे दादी देख ला के रे पहचान भले की ढड्डी का माना का रेड़ दल का तब उठा का लाभ लगा तो वो चीन सुतिल तब अलग था केबाड़ में मार हम कह हे रे केबाड़ किया तोड़ी से हमारी के सब रहे यार चार गो बेटा एक तीन नाम की नाम शंभू यादव विद्यानंद यादव राजकुमार यादव हो बाप एक और बाप पहले संग लागल कहाँ घर है उस सब का और बाप रे हट कया घर कहाँ है से कटा है या बगल में गोली कटा मार या बगल में घर ओकड़ी हो बाबू आदमी की तरह दरवाजा बजा करके गोली मार दिया गया। इसमें सर आपका क्या कहना? ये तो बहुत जुल्म है, एक वार्ड कमिश्नर को पूर्व वार्ड कमिश्नर का हत्या होता है, ये तो प्रशासन के लिए बहुत ही क्षोभ की बात है। अभी तक एक प्रशासन को भी नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल अन्याय किया है। पोस्टमार्टम में प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुपर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आइए कुनाल है, इसमें सर क्या कहना है? घटना हुआ है और इसमें वार्ड पार्षद के पति हैं, उनकी हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? ये गोली से इनकी हत्या किया गया है, गोली चलाया गया है, फायर करके हत्या किया गया है। किसी की गिरफ्तारी भी है? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इनके परिजन जो हैं, जो मृतक हैं उनके पिताजी भी हैं साथ में, और भी लोगों से हम लोग बयान ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और प्राथमिकी की कार्रवाई की जा रही है। जैसे हम लोगों को कुछ क्लू मिलता है हम लोग आगे की कार्रवाई तुरंत करते हैं। क्या सर कितना देरी में जो है इनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा? अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे ही कुछ मामला सामने आता है बातचीत करके हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं।